जी वेलकम बैक टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग के हवाले से। इसमें एक और एरिया भी है जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर लोगों की, और इसके हवाले से जो जॉब्स हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन लोग मेरे ख्याल से बहुत कम मौजूद हैं इस हवाले से। वो बात कर रहा हूँ हेल्थ काउंसलिंग के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर कुछ ऐसी डिजीज हैं, क्रॉनिक डिजीज हैं, जिनकी वजह से कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो इंड्यूस होते हैं पेशेंट्स के अंदर। तो मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही है? एक को रियल मी 5 जो है ना वो म्यू जी मैंने कर ठीक है जी। तो हाँ, हेल्थ काउंसलिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कुछ क्रॉनिक डिजीज ऐसी हैं जिनकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो इंड्यूस होते हैं। हम साइकेट्री के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं कि मेडिकली इंड्यूस जो है डिप्रेशन होता है समटाइम्स। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं कि जिनके लॉन्ग प्रोलॉन्ग होने की वजह से, लॉन्ग टर्म चलने की वजह से जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं क्लाइंट के अंदर। उसके अलावा कुछ क्रॉनिक डिजीज हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की हम बात कर लें, डायबिटीज़ है, कैंसर है हमारे पास, ठीक है। तो ये वो कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जो बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं किसी पेशेंट के साथ। तो इसकी वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी डिटोरिएट होती है, और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं उसकी लाइफ की कॉम्प्रोमाइज होती हैं। तो वो अपने जो साइकोलॉजिकली जो है काफ़ी लो फील करता है। इसके अलावा जो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी इस तरह की क्रॉनिक डिजीज, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ है, किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हो हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा स्टेप होता है वो एक्सेप्टेंस का होता है, कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और फिर ये कि कुछ मिस और मिसकंसेप्शन हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हमारे कम्युनिटी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी डायग्नोज होता है तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता कि ये नहीं, मुझे नहीं हो सकता ये, फिर इसमें क्या होगा, मैंने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हम डायबिटीज़ की अगर बात करें, एग्जाम्पल लें तो डायबिटीज़ के अंदर आपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। जो आपका पहले एक लाइफस्टाइल चल रहा था तो उसमें आपने चेंजेस लानी है। तो एक काउंसलर जो होगा, हेल्थ काउंसलर एक हॉस्पिटल की सेटिंग के अंदर, वो ये चीज़ें एक्सप्लेन करेगा पेशेंट को एक अच्छे वे में, और उसको एक्सेप्टेंस की स्टेज पे लेके जाएगा। जब वो एक्सेप्टेंस पे आ जाएगा तब उसके लिए ट्रीटमेंट को अप्रोच करना और फिर उसके डिफरेंट स्टेजेज हैं उनको लेके चलना वो आसान होगा। तो ये एक डिफरेंट डोमेन है हेल्थ काउंसलिंग के हवाले से। इस तरह आप एजुकेशनल काउंसलिंग के हवाले से देख रहे हैं, करियर काउंसलिंग है, तो ये डिफरेंट डोमेन्स आप जहाँ तक सोचे जाए देखें, जहाँ तक जिस जिस शोभा के अंदर इंसान मौजूद है तो वहाँ पे उसकी ये रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट होगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप अगर एरिया के हवाले से देखें कि आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि जी हम कहाँ काम कर सकते हैं। अभी तक मतलब हम मोस्टली जो है वो हेल्थ सेटिंग्स के अंदर काम करते हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर ये स्टार्ट नहीं है आपकी कंट्री के अंदर तो आप इनिशिएट लें, आप प्राइवेट सेक्टर से इनिशिएट लें, इन चीज़ों को स्टार्ट करें, तो ये चीज़ें ऐसा ऐसा जो है वो सोसाइटी के अंदर इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगी। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस अगर हैं तो काइंडली नोट डाउन कर लें, अगर पहले से लिखे हुए तो वो एंड पे जो है वो काइंडली ज़रूर पूछें, ताकि हमारे सेशन का मकसद जो है वो सिर्फ हमारा बोलना नहीं है, आप लोगों के कंसर्न्स को सुनना है, और आपके कोई इश्यूज़ या कोई इसके हवाले से कोई रीज़ है उनको आंसर करना है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि हम यहाँ पे यूथ की बात कर रहे हैं कि यूथ को हम गाइड कर सकते हैं सब। अच्छा, जो पेरेंट्स होते हैं हमारे,
जिनके बच्चे इस एज के अंदर होते हैं वो बड़े काफी परेशान रहते हैं कि जी इसके साथ ये मसला है, ये चिड़चिड़ापन है, जज्बाती है, या लड़ाई झगड़ा करता है घर के अंदर, तो ये काफी सारे होते हैं। मतलब लोग कॉन्टेक्ट भी करते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ, ये वो कि हमारे बच्चे के साथ कोई इशू है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को इस हवाले से किस तरह से गाइड किया जा सकता है काउंसलिंग के हवाले से, और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम पेरेंट्स को गाइड करें पेरेंटिंग के हवाले से? आजकल ना ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है कि जो एडोलसेंस हैं उनकी एज में जब प्यूबर्टी मतलब जो चेंजेस आते हैं उनमें मूड डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मूड प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, एग्रेशन आ जाता है, बात नहीं मानना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और पेरेंट्स जो है वो उसको एसोसिएट कर लेते हैं किसी और चीज से। ठीक है, अक्सर पीयर प्रेशर भी होता है, लेकिन वो उनको ये नॉलेज कम होती है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये मूड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मेरे पास सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो यही मदर्स के ही आते हैं, या तो वो बेटी की वजह से परेशान है कि इसको ये प्रॉब्लम, ये चीख के बोलती है, इसने ये स्टार्ट कर दिया है, पहले इस तरह नहीं थी अब हो गई है। तो उनके साथ बड़ा एक हेल्दी सेशन उस वक्त रहता है कि जब हम एक फैमिली सेशन करते हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले मदर का कंसर्न पता लग गया, जी मदर ने यही कहा है। फिर उसके बाद जो बच्चे होते हैं ना जो उस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, या उनको ये चीज फील नहीं हो रही कि हमारे कुछ चेंजेस की वजह से हमारे पेरेंट्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि वो अभी उस स्टेज में नहीं होते कि वो अपना इतना डिसीजन अच्छी तरह कर सके। तो फिर अच्छा अगर आपने एक आपके पास एक कोई आता है पेरेंट अपने यूथ से या अपने बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसे बात करता है, तो सबसे पहले पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि जैसे ही एक प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है तो लड़के जो है ना उनका एग्रेशन लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, लड़कियों का फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सा ज्यादा होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वेरी करता है, लेकिन लड़कों का ये है कि वो थ्रू आउट पीरियड थोड़ा एग्रेशन लेवल ज्यादा होता है। तो उसमें उनको तरीके से मतलब वो ऐसी एक स्टेज होती है कि जिसमें बहुत ज्यादा एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चों के साथ बनाना पड़ता है, मतलब कि पेरेंट्स को ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज होती है कि उसमें पर्सनालिटी बिल्डअप होती है। तो आप जिस तरह उनकी पर्सनालिटी बनाएंगे उस तरह जाएगी, आप उनको डांटेंगे, आप उनको फैमिली के सामने एम्बेरस करेंगे, हर एक चीज पर टोकेंगे, हर एक उस पर वो करेंगे, तो वो एक एक होती है ना एक बगावत वाली बात आ जाती है, वो चीज उनमें आ जाती है, क्योंकि वो एक नया नया वो होता है, उनको पीयर प्रेशर ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो सारी चीजें होती है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले इस चीज के बारे में अच्छी तरह बताना चाहिए कि देखें ये चेंजेस आती हैं, ये मसले होते हैं, ये मूड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, और ये नॉर्मल है हर एक बच्चे में, लेकिन हर एक बच्चा वेरी करता है, हर एक की सिवियरिटी वेरी करती है। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा अगर शाय है तो जरूरी है आपका बच्चा भी शाय हो। कुछ होते हैं जो एक एज में बड़े अच्छे अच्छे चल रहे होते हैं, जैसे ही उनकी प्यूबर्टी की एज आती है तो उनको अचानक कुछ हो जाता है, दरवाजे तोड़ने लग जाते हैं, पढ़ना नहीं है, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये एक नॉर्मल एक वो है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ऐसे वो किया जाता है, लेकिन इस पूरे उसमें पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों की भी काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। बच्चों को बिठा के उनसे कंसर्न वो कराने, अभी पिछले दिनों मेरे पास आए थे तो एक ही घर के दो बच्चे थे और वो दोनों ही टू इयर्स का गैप था उनमें, तो उनके यही प्यूबर्टल चेंजेस चल रहे थे। तो मदर जो है वो बहुत ज्यादा ही वो थी कि ये मेरी वो नहीं कर रहा, और मदर का भी यही मसला था कि मदर बहुत ज्यादा पोजेसिव थी, मतलब हाईली पोजेसिव थी। उसको समझाना पड़ा कि ये नॉर्मल है, ये बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होंगे ना खुद ही ठीक हो जाएंगे। यस, इस एज में आपने इनको गलत और सही का फर्क बताना है, लेकिन आपने उनको इस तरह पनिश नहीं करना कि ये बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके आपसे वो कर लेना। तो बच्चों के जब बिठाओ तो बच्चा आगे से इनका ये होता था कि नहीं नहीं है, हम तो इतना कुछ नहीं करते, मामा को लगता है, हम तो इतना कुछ नहीं करते, मामा को लगता है, वो उनका उस तरह था। फिर फर्स्ट सेशन ऐसे गया कि सिर्फ मदर से बात हुई, सेकेंड सेशन में अलग अलग दोनों से बात हुई, थर्ड सेशन में पूरी फैमिली बैठी, और वो इतना हेल्दी वो था कि दो बच्चे ने दो मुझसे झूठ बोला था, उसने बहुत झूठ बोले थे कि नहीं मैं ऐसा भी हूँ, मैं ऐसा भी हूँ, मेरी अम्मी वैसे झूठ बोलती है, तो वो सारे कंसर्न आए। लेकिन ये बात मैंने बहुत अच्छी तरह उनके पेरेंट्स को बताई थी कि अगर आपको पता लग भी जाए ना कि आपका बच्चा इस जगह इस स्टेज पे झूठ बोल रहा है, वहां पर मेरे सामने बैठ के या जो भी, आपने जज नहीं करना उस बच्चे को, हम लोग इसको बहुत ज्यादा लाइट लेके बात करेंगे, हम उसकी काउंसलिंग भी करेंगे, हम बहुत लाइट लेके बात करेंगे कि उसको ये ना लगे कि मैं बस एम्बैरस हो गया। जहां पर उसकी एम्बेरसमेंट का वो स्टार्ट होगा, वो अपनी पर्सनालिटी को उधर ही रोक के लगे, वहां कुछ बताएगा नहीं, वो बात नहीं करेगा।
तो पेरेंट्स को इस एज में सबसे ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत है. अब हम भी आगे इंशाल्लाह जाएंगे, हमने भी उन एजेस से गुजरना है, ठीक है, हमने उससे गुजरना होता, क्योंकि पेरेंट्स तो शायद अभी हमारे उसमें नहीं है, पार्टिसिपेंट्स में. लेकिन ये बात है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, ऐसी एज के बच्चों को बहुत ज्यादा, ये 2-3 साल बहुत मुश्किल होते हैं पेरेंट्स के लिए. लेकिन अगर ये बहुत अच्छी तरह फ्रेंडली तरीके से, उनको शुरू से ही आप फ्रेंडली रखो, उनको शुरू से ही आप एक अच्छा दोस्त रखो, उनको जो भी प्रॉब्लम हो फिर वो आपके साथ शेयर करें. और ये एक ऐसी स्टेज होती है कि वो पीयर से बहुत इफेक्ट होते हैं, कि लाइक एक ही, अगर मतलब उस बच्चे का ये मसला था कि वो जो स्कूल में पढ़ती थी उसको वो सब कुछ चाहिए था जो दूसरी लड़की को चाहिए, दूसरी लड़की के पास है. तो फैमिली जो है ना, उसको अपनी एक खास लिमिट्स या एक खास जो गाइडलाइंस होती हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, पहले सेट करने चाहिए. लेकिन अगर बच्चा आउट ऑफ द वे जा रहा है, तो इट डजंट मीन कि वो बिल्कुल पता नहीं हमारे बच्चों को क्या हो गया है, हमसे पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया, मतलब सीरियसली ये बात आके करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है. तो उनको थोड़ा सा बस बताना पड़ता है कि ये चेंजेस हैं. हमें शायद अपने उसमें नहीं पता था, हम लोग फेजेस में गुजर गए हैं, लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अब हमें समझ आती है कि यस, ये एक खास नॉर्मल वो है, बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है क्या बच्चों को दे सको. तो लेकिन ये इस एज के बाद भी जब 20-21 तक आते हैं ना, तो फिर लड़कों के और इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं. क्योंकि नॉर्मली मैं चीजें फेस करती हूँ, शुरू की एज में 15-16-17 एज जो होता है, या 14-15 का जो एज होता है, जो लड़कियों का प्यूबर्टी का स्टेज जब स्टार्ट होती है, उस वक्त उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, वो 20-21 तक एडजस्ट कर जाती है. लेकिन जो मेल होते हैं वो 19-20 तक आते हैं, तो उनको और थोड़े से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, जो वो अपने फैमिली में नहीं कर पाते हैं, वो अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं. तो फ्रेंड्स के अलावा भी आप जो है ना, मैं वही बात, आप जैसे वो बात कर रहे थे कि हेल्थ से रिलेटेड है, या हेल्पलाइन नंबर भी है रहनुमा में भी इस चीज की, FPAP में भी इस चीज की वो मौजूद है, कि हम लोग फ्री कॉस्ट सर्विस देते हैं काउंसलिंग की. हमारे पास फेस टू फेस भी होती है, हमारे पास हेल्पलाइन के थ्रू भी होती है, और वहाँ पर ज्यादातर जो फोकस होता है वो रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड होता है. तो एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, ये सारे स्टेजेस जो होती है ना, ये डिस्कस होती है. तो 20-21 तक, 19-20-21 तक फैमिली तो नहीं आती है, लेकिन ये होता है कि वो बच्चे फिर आते हैं, वो लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, वो डिस्कस करते हैं. तो पेरेंट्स के लिए जो आपको मैंने जिस तरह कहा कि थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल वो करने की जरूरत है, थोड़ा इस चीज को समझने की जरूरत है कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे से डिफरेंट है, बच्चों को कंपेयर ना किया करें, ये इस तरह है तो इसको भी इस तरह होने की जरूरत है, वो इस तरह है, इसने तो ये किया था, उसने तो, इस तरह के कंपेरिजन से ना, तो बच्चे जो है ना, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज जो है ना, वो नेगेटिविटी उसमें चली जाती है. तो अच्छे काउंसलर की भी एक जरूरत है. अगर आप नहीं अच्छी तरह डील कर पा रहे हो, बच्चों की समझ नहीं आ रही है, आप खुद ही मेंटल स्ट्रेस में जा रहे हो, आप एक अच्छे काउंसलर के पास जाके आप एक अच्छे काउंसलर से डील कर सकते हो. एक फैमिली सेशन, एक हेल्दी फैमिली सेशन बहुत प्रोडक्टिव साबित होता है इस चीज में. जी, मिस मोइजा ने काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को कि पेरेंट को इस चीज से क्या बेनिफिट हो सकता है काउंसलिंग के हवाले से. तो इसमें हम यही इसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं कि पेरेंटल ट्रेनिंग्स जो है आज के हमारे वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो एक तरबियत का निज़ाम था, जो एक कदीमी निज़ाम था, वो शायद आज नहीं है हमारे पास. और हम पेरेंट्स बनते हैं, लेकिन हमें फिर बच्चों को किस तरह से जो है परवरिश करनी है, तो वो चीज़ें वक्त के साथ तो सीखते हैं, लेकिन हमें कोई गाइड नहीं करता. और जब बच्चे छोटे होते हैं, चाइल्डहुड की स्टेजेस में होते हैं, तो उस टाइम तो उनको जो है उनके साथ कैरी आउट करना जो है वो ईजी होता है. लेकिन जब जो ही वो एडोलेसेंस की एज में आते हैं, तो उनका बिहेवियर चेंज होता है और सारी चीज़ें होती हैं जिसके पीछे कुछ रीजंस हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये चीज़ें समझ नहीं आती. और फिर वो ड्यू टू ओवर पोजेसिवनेस वो फिर परेशान हो जाते हैं कि जी हमारे बच्चों के साथ क्या हो गया है, ये तो बागी हो गए हैं और ये चीज़ें. तो उसके हमारे इस तरह के सेशंस का मकसद ये है कि उनके पीछे कुछ बेसिक काज हैं जो कि नॉर्मल होती हैं, जो कि हमारे साथ भी हुई हैं. अगर आप अपनी लाइफ में देखें, आप जब बलोगत की उम्र में थे, तो आपका बिहेवियर किस तरह से होता था और आप उस वक्त आपकी सोच या फीलिंग्स क्या होती थी, वो जाहिरी बात है आपको चीज़ें समझ आएंगी कि जिस तरह से फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं और वो सबको नजर आती हैं. पेरेंट्स को पता होता है कि जी बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, प्यूबर्टी में आ रहा है, तो इसी तरह उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ रही हैं. उसका जो सेल्फ का एक कंसेप्ट है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो उस टाइम बिल्ड हो रही है, और वो अभी इस स्टेज में नहीं है कि वो कि किसी अच्छे बुरे की तमीज़ जो है उसको उसी वक्त फ़ौरन आ जाए. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कोई बच्चा गलत काम करता है, तो हम फ़ौरन उसको टोकते हैं और ये कहते हैं कि
क्या किया तुमने, ये वो चीज़ अभी लर्न कर रहा है। जब आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेस आउट करते हैं और ओवर पोजेसिवनेस शो करते हैं, तो वो फिर आपसे कट आउट होगा और वो बाहर के इन्वायरमेंट की तरफ जाएगा, जिसके अंदर उसके पेयर्स हैं, वो इंटरनेट की तरफ जाएगा, डिफरेंट सोर्सेज की तरफ जाएगा, आप उसके साथ वो चीज़ें फिर शेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे जिस तरह मैम ने बताया कि आपको फ्रेंडली बिहेवियर शो करने की ज़रूरत है, जिस तरह आप एक चाइल्ड, छोटे बच्चे को जो है देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, वो एडोलेसेंस में वो उस तरह चीज़ नहीं होगी। वो थोड़ा सा आप बच्चे को स्पेस देनी होगी, उसकी पर्सनल स्पेस जो है वहाँ से स्टार्ट होती है। जिस तरह मैंने बताया कि उसकी जो सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ अवेयरनेस है, वो उसकी वहाँ पर बिल्ड होना शुरू होती है। और ये चीज़ें प्रॉपरली बिल्ड ना हो तो ये बाद में फिर जो है डिफरेंट मसाइल का जो है वो सबब बनती हैं। तो आप पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस को लेते हैं, आप लोगों में से किसी को क्वेश्चन हो तो अपना हैंड काइंडली जो है वो रेज कर दीजिएगा, और उसके बाद अपना माइक जो है अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप कोई पर्सनल इश्यूज, किसी कोई केस है, आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा काउंसलिंग कहाँ कहाँ हेल्प आउट कर सकती है, या यहाँ पे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको, जैसे मैंने यहाँ पे बात की, तो करियर के हवाले से भी ये वो डोमेन है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है और ज़रूरत भी है कम्युनिटी को। तो इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी 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 आ रही है। मैं मदीहा अवान हूँ और मैं कायद अजम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। एक क्वेश्चन आपसे करना था कि जिस तरह अभी कल हमें ये परसों का इवेंट है, वो जो एक बच्चा जो नवल यूनिवर्सिटी में वो डिप्रेशन में था और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, इस किस्म के जो इंडिविजुअल्स हम अपनी एनवायरमेंट में रोज देख रहे होते हैं, लेकिन बीइंग स्टूडेंट लेवल, एट स्टूडेंट लेवल किसी हद तक तो हम बात वगैरह कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें एट टाइम्स जो है बात करने पे चीज़ें एग्रवेट भी हो जाती हैं टूवर्ड्स नेगेटिविटी। टीचर्स का कहाँ यहाँ रोल आ जाता है कि इस किस्म के बच्चों को पॉइंट आउट करें? जैसा हमारे तो कायदे अजम यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह एक काउंसलिंग सेल भी बना हुआ है, जहाँ जिसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ चले जाता है, लेकिन कॉलेज लेवल पे अगर खुद बच्चा जाए तो तब तक तो ठीक है, लेकिन टीचर्स का कहाँ रोल आ जाता है इस जगह पे कि उनको पॉइंट आउट करें और जाके जो है ना वो रेफर करें कि इस बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है? एक कंटिन्यूसली उसकी बातों से भी और उसके जो जेस्चर था उसकी, इवन पेरेंट्स से भी हमें ये फील हो रहा था कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन nobody was there to help him out and he eventually committed suicide. तो इस सूरत में आप क्या कहती हैं कि हमें हमारे मुआशरे में इर्द गिर्द इस किस्म के बच्चे हैं तो हमारा क्या रोल बनता है उसमें? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मदिया फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। मैं खुद ये सोच रहा था कि इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हमारे लास्ट कुछ सेशंस के अंदर सुसाइड प्रिवेंशन के हवाले से डिस्कशन हुई थी और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ अभी रिसेंटली। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कुछ पॉइंट्स कहते हैं, की पॉइंट्स होते हैं आपके बिहेवियर के अंदर, ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो शो होती हैं आपके बिहेवियर में। तो आप फॉर एग्जाम्पल हमारे इस तरह के सेशन से, अवेयरनेस से ये तो फायदा हो जाता है कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि उसके बिहेवियर से शायद शो हो रहा होगा और काफ़ी लोग देखते भी हैं, लेकिन फिर उनको ये नहीं पता इसको रेफर किधर करें या किस की तरह भेजेंगे तो उस जो है उसके मसले हल हो जाएंगे। तो मैम इसके बारे से आपको ब्रीफली जो है या एक्सप्लेन कर सकती हैं, उसके बाद मैं अपने जो कमेंट करूँगा। जी मैम मुझे। अच्छा, अब ये जो इन्होंने बात की मतलब सुसाइड, जाहिर सी बात है एक बहुत डाइवर्स, मतलब आपको नहीं पता लगता कि एक बंदा किस फेज से गुजर रहा है। अक्सर ये होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि डिप्रेशन की जो लास्ट स्टेज होती है उसमें जाके वो करता है सुसाइड करता है। अभी आप लोग उसी की बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली सुसाइड किया और साथ में नोट छोड़ के गए। जी, सागर की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, अब आप सिर्फ उसकी अगर लाइफ देखें ना, अगर हम एज अ काउंसलर, हम एक साइकोलॉजिस्ट जो है ना या एक टीचर है, वो बाय फेस शो ही नहीं कर रहा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? उसका फ्रेंड सर्कल किस तरह है, या उसके जैसे उसने कहा मदर चली गई है या उसके पास कोई भी नहीं था शेयर करने के लिए, ठीक है? टीचर्स जो होते हैं ना, अगर मैं आपको टीचर्स की बात कहूँ तो टीचर एक वाकई में बहुत एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं स्टूडेंट्स पर। वो
अपने ही पढ़ाई वगैरह के अलावा भी अगर एक थोड़ा सा सेशन एक साइकोलॉजी के टीचर है या कोई और टीचर है, वो थोड़ा सा इस बात पे बात कर सकते हैं कि आप किस तरह फ्रेंड्स बनाएं, आप किस तरह एक दूसरे के साथ शेयर करें, आप किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, आप मुझसे आके शेयर करें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो। अब हम उस बंदे के उस तक पहुंच नहीं पाए ना, हमें नहीं पता लगा कि यार वो बंदा किस स्टेजेस से गुजर रहा है, मे भी उसने किसी फ्रेंड से डिस्कस किया हो, मे भी उसने किसी टीचर से डिस्कस किया हो, किसी फैमिली मेंबर से डिस्कस किया हो, लेकिन कोई भी उसको समझ नहीं पाया, एंड एट लास्ट उसके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं था, उसने सुसाइड कर ली। उसको एक होता है ना, उसको एक ईमान उसका खत्म हो गया, उसका ये नहीं था कि उसको यकीन नहीं रहा किसी पर, उसको किसी साइकोलॉजिस्ट का या किसी काउंसलर का बताया ना हो किसी ना हो। इन केस वो हमारे साथ अगर इस तरह होता, हमारी गैदरिंग में होता, तो हम साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा चीजों को देख लेते हैं, थोड़ा पॉइंट आउट कर लेते हैं, और कुछ ऐसे जो लोग होते हैं वो अट्रैक्ट वैसे ही हो जाते हैं। काउंसलर से साइकोलॉजिस्ट है, वो बता देते हैं हमें ये प्रॉब्लम है। एक वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर जाहिर सी बात है एक प्रोफेशनल तरीके से लेके चलता है, वो उस चीज को समझेगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम सुसाइड प्रिवेंशन उस वक्त तक कर सकते हैं कि हम अपने कम्युनिटी में ऐसे सेशंस वो करें। अब जैसे हम, मैं आपको बताऊं, मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज अ उधर भी काम करती हूँ, और हमारा एनजीओ तो हम एज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट भी कम्युनिटीज में जाके सेशंस देते हैं, और सेशंस में हम यही चीजें बताते हैं मदर्स को, जैसे ये बता दिया कि बच्चों से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, और बाकी ये चीजें बता दी कि आपके आस पास कोई लोग इस तरह इफेक्ट हो रहे हैं तो आपने किस तरह उनको वो करना है। तो एज अ टीचर इधर जो मैं सोच रही थी, बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज अ पेरेंट, और मैं देखती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन का डिलेमा है वो ये है कि आप यू कैन नॉट डिस्क्लोज योरसेल्फ, यू कैन नॉट, यू डोंट हैव अ प्रॉपर वे ऑफ कैथारसिस विद योर फ्रेंड्स। बहुत से बच्चे जो हैं, इवन मैं अपने बेटे से अगर बात ये करूँ कि बेटा आपने कहते नहीं मामा हम इस किस्म की बात नहीं करते, मैं कहा दोस्त का नाम भी तो होता है ना, कहते वो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी ये इतने सुपरफिशियल लेवल पे इन लोगों का कनेक्शन होता है, नंबर वन। नंबर टू, जो सागर की डेथ हुई, ही वॉज इन हिज लेट एडोलेसेंट कर लें या जो भी था, बट ही वॉज इन हिज एडोलेसेंट एज, ठीक है। यहाँ जो होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो, या हाई कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो डेवलप नहीं हुए होते, दे कैन सी इन वाइट एंड ब्लैक बट ग्रेज नहीं है इनके बीच में, कॉग्निटिव थिंकिंग की उससे डेवलप नहीं होती, इस वजह से यहाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड जो है वो एडोलेसेंट जो डेवलप, हाँ वो डेवलप अर्ली उसमें हुई नहीं होती ना, हुई वो अर्ली उसमें मिला ही नहीं होता कि वो उस चीज को सोच सकें कि यार व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मैम यहाँ मैं एक बात करना चाहती हूँ कि रोज आपके जो टीचर है ना, जहाँ आपके एक घंटा पढ़ा रहा है, 5 से 10 मिनट अगर कोई एक मोटिवेशनल टॉक दे दे या कोई रिलीजन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ ईमान की भी कमजोरी थी, ला तकना तुम्हें रहमतिल्ला, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद, अगर आप छोटा छोटा भी बच्चों के अंदर पोर इन करते रहे उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है उस चीज को, फिर वहां बच्चे डिस्क्लोज होते हैं। जब एक टीचर वन ऑन वन बच्चों से बात करता है, आपका क्लास टीचर है या कोई सब्जेक्ट टीचर है, कोई एक टीचर जो आपसे आगे 5 मिनट की भी वो गुफ्तगू करता है, तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स नजर आने शुरू होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीचर है नहीं ना, ऐसा है नहीं हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में हर एक चीज सिलेबस को दे दी जाती है। अक्सर टीचर्स इस तरह की बात करें, टीचर्स की वजह से तो बच्चे अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रही है, करिकुलम इस कदर सख्त होता है कि मुझे तो लगता है जहाँ एक एडिटिव एडवांटेज, वो एडिटिव पॉइंट वो ये था कि इसकी अम्मी की डेथ, या वो कहता है कि मैं हर चीज में नाकाम, जो भी डिप्रेशन का, वहाँ कहीं ना कहीं पढ़ाई का स्ट्रेस भी था जिसको वो कूप अप नहीं कर पा रहा था, और अल्टीमेटली ही थॉट कि मैं जो हूँ, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में अपने आप को हैंग किया उसने, तो ये सारे इवेंट्स है, ये बड़ा एक चीज है बड़ी अगर देखा जाए। लेकिन आपको पता है इस पर ना बहुत डाइवर्स रिसर्च की जरूरत होती है, हम बात तो कर लेते हैं कि उसको इस चीज की जरूरत है, इस चीज की जरूरत होती है, जो सुसाइड्स करते हैं ना वो मन ही डिस्क्लोज करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। हाँ ये चीज होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एजुकेशनल उस पर एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की हायरिंग जरूर होनी चाहिए, जो ये जहां से एडोलेसेंस स्टार्ट होता है ना उधर से ही अगर उनको थोड़ी थोड़ी चीजों का बता दिया जाए ना कि आपको किस तरह लाइफ को किस तरह कोप अप करना है, आगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये तो ये प्रॉब्लम थी ना, आगे तो जिंदगी में बहुत से लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन ईमान मजबूत होता है, थोड़ा उनका लॉजिकल उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थोड़ी मजबूत होती है, उनको गाइडेंस चाहिए होती है ना, उनको ये भी पता होता है कि यू आर नॉट द ओनली, हां हम जिसको हम कहते हैं ना फेबल मी का कॉन्सेप्ट, कि सिर्फ मेरे साथ ही सिर्फ ये फिनोमेना हो रहा, बाकी और किसी के साथ नहीं हो रहा, तो उनको ये बताना होता है यू आर नॉट द ओनली वन, एक्चुअली आपके साथ और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सेम, बल्कि हम भी इन्हीं
तरह के जो है प्रोसेस से गुजर के हम यहाँ तक पहुंचे. थैंक यू मैम. हमारा जो सेशन होता है उसका मकसद ये होता है कि हम बाकी लोगों को तो नहीं चेंज कर सकते हैं. हम अब ये तो नहीं कह रहे कि हम वो जो 30s 40s जो पेरेंट्स उनमें जाके तो ये चेंज, हम लोग ने खुद भी तो आगे बढ़ना है ना. तो जो चेंज हम लाना चाह रहे हैं वो हम क्यों ना लेकर आए, जो चेंज हम देखना चाहते हैं सोसाइटी में वो चेंज की वजह हम क्यों ना बने, हम लोग क्यों इस तरह नहीं निकलते हैं, हम लोग क्यों इस तरह वो नहीं करते. जरूरी नहीं जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है तो वही जाके सिर्फ एक काउंसलिंग का वो दे सकता है. अगर आपको इतनी नॉलेज है कि आप अपनी कम्युनिटी को अवेयर कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो. बच्चों को अगर पूरे दिन में 20 मिनट बैठ के एक फैमिली का टाइम मिलता है जिसपे एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल टॉक हो सकती है, तो वो भी उनको भी आगे जाके उनकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम होती है. तो ये है कि मकसद यही होता है कि एक्नॉलेज किया जाए लोगों को कि हम लोग वजह बन सकते हैं चेंज लाने की और हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए. बिल्कुल. थैंक यू. जी मैं यहाँ पे दो और पॉइंट्स जो है इस पे करना चाहूंगा. मैम मिर्जा ने काफी एक्सप्लेन किया है रीजंस क्या बनती हैं इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की. मैं काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप लोग भी देखते हैं. दो चीजें सोसाइटी में बड़ी ज्यादा हो रही हैं. फर्स्ट जो है हमारे पास एक जो हमने फाइनेंशियल गोल्स का कर दिया है कि जी आपने जी 1 करोड़ रुपया कमाना है, आपने जी 1 लाख रुपया कमाना है. ये हमारे यहाँ काफी अर्से से चल रहा है, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं. ठीक है, एक दौड़ लगी हुई है पैसे कमाने की. ठीक है, अच्छी बात है, एक आप अपने आप को फाइनेंशियली जो है बेटर उस सेल्फ में लाना चाहते हैं. लेकिन यहाँ पे ये बात होती है कि जो टीनेजर बच्चा है उसने अपने सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करना है, उसकी सेल्फ स्टीम कहाँ पे है, उसके जो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं वीकनेसेस है उसने उसको जानना है. उस एज में आप बच्चे को पैसे कमाने पे लगा रहे हैं. ठीक है, और वो पैसे कमा रहा है, चलें पैसे कमा लेता है, वो 1 करोड़ रुपया कमा लेता है, उसके बाद वो क्या करेगा, लाइफ को उसने किस तरह से लेके चलना है, वो चीज़ उसको गाइड नहीं कर रहा. फर्स्ट ये पॉइंट. सेकेंड ये कि हमारे यहाँ जैसे अभी सागर का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इस तरह और पुराने आप देख लें इंसिडेंट, हम बाज दफा पोस्ट करते हुए या मीडिया पे ये चीज शो होते हुए ग्लैमर क्रिएट होता है सुसाइड का, कि देखें जी अगर लाइफ के प्रॉब्लम्स हो ना तो ये सुसाइड एक ऑप्शन है आपके पास. अच्छा, फिर जी आप सुसाइड करेंगे तो आप बड़े फेमस हो जाएंगे. जो टीनेज में बच्चा होता है उसके पास इस तरह की थिंकिंग नहीं होती कि वो इससे बियॉन्ड जाके सोचे कि जी मेरी लाइफ तो उसके बाद खत्म हो जाएगी ना. तो ये बाकायदा रिसर्च के साथ ये साबित है कि जो सुसाइड है उसमें से मेन काज ये सुसाइड का ग्लैमराइज होना भी है मीडिया के ऊपर और लोगों के सामने जो बच्चों के सामने एक ऐसे ऑप्शन आता है कि जी आपके साथ जब इतने प्रॉब्लम्स हो जाए ना तो आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लें. ठीक है, तो ये चीजें जो ग्लैमराइज हो रही है ना उससे ज्यादा मसला खराब होता है मेरे ख्याल से. ये कुछ पॉइंट्स हैं. बाकी अगर हम उसके काजेज पे जाएं तो बहुत से काजेज हो सकते हैं. जो हम टीनेज में बात कर रहे हैं काउंसलिंग के हवाले से, ये कि उसके सेल्फ कंसेप्ट जो अगर वो अच्छी तरह डेवलप हो जाता है स्टार्टिंग में, उसको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का आइडिया हो जाता है, तो फिर अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो उनको ऐसा ऐसा जो है टैकल करना सीख जाता है. अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर जाहिर बात उसके पास ऑप्शन नहीं बचता और फिर इस तरह के जो है जो स्टेप है वो ले लेता है. अच्छा, इधर इन्होंने एक क्वेश्चन किया है, इन्होंने किया है क्लाइंट हमें बोलने का मौका ही ना दे तो खलीलुल्लाह ने. अच्छा, अक्सर ऐसे क्लाइंट होते हैं वो आते हैं वो बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं अपना ही प्रॉब्लम बोल बोल के अपना ही सोल्यूशन खुद बता के निकल जाते हैं, वो वाकई में नहीं सुनते. ऐसे लोगों को सिर्फ सुने आप लोग. ठीक है, आपसे जो काउंसलिंग लेने आया ना ट्रू टर्म्स में वो आपको भी बोलने का मौका देगा. लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसके दिल में कोई बात है, गुबार है और उसने अपना गुबार निकालना है, वो आते हैं वो बोल के सब कुछ करके हमारी भी नहीं सुनते हैं. मतलब उनको वो इतना ये भी बोल जाते हैं कि मुझे पता है आपने अब ये कहना है, वो बोल के वो चले जाते हैं. बस ऐसे लोगों को सुन लिया करें उनको. और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो भी आपसे बात करें तो आप अपने फेस एक्सप्रेशन, अपना जो आई कॉन्टेक्ट है, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे हो कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उनमें. अगर आपने ये शो कर दिया कि भाई मैं तो थक गया हूँ तुम्हारे बोलने से, बस हो गई है, उसने उठ के चले जाना. थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे क्लाइंट्स को डील करना, लेकिन ये है कि वो जाते हैं. तो ये है कि आपका ना अपना एक वो ही बात है कि इफेक्टिव काउंसलर में एक स्किल होना चाहिए कि आप कैसे रैपो बिल्ड करा देते हो. तो आपका अपना इंटरेस्ट लेके सुनो ना उनसे, जैसे वो फैशियल एक्सप्रेशन बना रहे हैं आप भी वैसे बनाओ. आप वो हैरान ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें हैरान होना है तो आप ऐसे एक्सप्रेशन दो कि आप हैरान हो गए हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि जिसमें आप उनके उनको वो भी आपको सुन सकते हैं. लेकिन अगर वो बोल रहे हैं तो बस आप बोलने दें ताकि वो दिल के गुबार निकाल के तो जा सकते हैं.
बिल्कुल मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो अब जाहिर बात है आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक 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 किस्म के क्लाइंट ही मिलेंगे, डिफरेंट किस्म के लोग आएंगे और डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो कुछ आपकी बात सुनेंगे कुछ नहीं सुनेंगे, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से प्रैक्टिस के साथ साथ आती हैं। फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर मैटर करता है जो काउंसलर है या साइकोलॉजिस्ट के उस इस तरह के सेशंस को किस तरह से कंटिन्यू करता है। रेपो बिल्ड की हम बात करते हैं तो रेपो बिल्डिंग के अंदर आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि वो किस तरह का क्लाइंट है और उसको आगे किस तरह से लेकर जाना है। जाहिर बात है कुछ क्लाइंट्स के साथ आपकी इनिशियली शायद 5 मिनट के अंदर वो आपके साथ इतना फ्रेंक हो जाए, चीज़ें आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताता जाए, बाद योग आपको शायद 1 घंटा लगे उसके साथ रेपो बिल्ड करने में, तो ये डिफरेंट करता है। बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इफेक्टिव जब जो जो होती हैं तो आप उसको इन चीज़ों को जो है टैकल करना बहुत आसानी से सीख जाते हैं। अच्छा यहाँ पे अबू तुराब साहब हैं, ये हमारे वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ साइक स्क्वाड हैं और कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं। जी अबू तुराब साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है। मैं MS क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ बैरिया यूनिवर्सिटी से। अभी जो पीछे जो आई गेस मिस मदिया ने वो क्वेश्चन किया ना, उससे रिगार्डिंग ना मेरे पॉइंट्स हैं कुछ ना। अभी रिसेंटली ना 7 अप्रैल को, ये अभी रिसेंटली हमने अपनी यूनिवर्सिटी में ना एक मेंटल हेल्थ कैंप लाइक बहुत जो है ना स्मॉल लेवल पे ना एक कंडक्ट किया, ठीक है। इसी तरह अब चूंकि बैरिया में वेल बीइंग सेंटर है, सेम इन्होंने बताया कायद आजम में भी काउंसलिंग सेंटर है, इसी तरह वो जो लड़का था वो नमल का स्टूडेंट है था, उस नमल में भी जो है वो एक काउंसलिंग सेंटर मौजूद है। अब जो एक पॉइंट जो मैं ये रेज करना चाहता हूँ या मेंशन करना चाहता हूँ ये कि हम जो है अवेयरनेस किस लेवल पर कर रहे हैं इन चीज़ों की, ठीक है। लाइक एज अ सेंटर तो आपने वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है, लेकिन आप अपनी सर्विसेज प्रमोट कितनी कर रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि जो हमारे मेंटल हेल्थ कैंप में एक्सपीरियंस था, अब वेल बींग का जो इनफ्लक्स है लाइक जो जितने रेशियो से बैरिया के वेलबींग का जो बंदा वहाँ पर आ रहा होता है उसके मुकाबले में जब हमने कैंप जो है वो इस्टेब्लिश किया तो वहाँ पे जो उनके आने का रेशियो था वो लाइक आप समझ लें कि 200-300 टाइम ज़्यादा था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें अप्रोच किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन पॉइंट्स को रेज किया कि अभी भी हमें जो है क्या लाइक उनमें से कई ने ये मेंशन किया कि हमें पता ही नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रही है, ठीक है। उसमें कई ऐसे भी थे कि जिन्होंने हमें ये भी मेंशन किया कि आप हमारे लिए कोई प्राइवेट स्पेस का इंतजाम करें, क्योंकि हमने कैंप एक ओपन जगह पे इस्टेब्लिश किया हुआ था। उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए प्राइवेट जगह का भी, क्योंकि हमारे दोस्त हमारे क्लास फेलोज हमें यहाँ देखेंगे तो बाद में हमें वो डिफरेंट पॉइंट्स रेज करेंगे, डिफरेंट बातें करेंगे कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे या इस तरह का। तो स्टिग्मा जो है ना वो अभी भी हम उस तरह इरेडिकेट नहीं कर सके जिस तरह हमें इरेडिकेट कर लेना चाहिए था। वो उनका ये क्वेश्चन था ना बेसिकली कि जो है इंस्टीट्यूट का टीचर का या इनका क्या काम होता है, तो हमारे पास जो है उस कैंप में कई टीचर्स भी आए, ठीक, और उनको भी बेसिक काउंसलिंग बेसिक जो है ये स्टूडेंट्स की इश्यूज और इनके बारे में इतना वो नहीं था। वो भी ये पूछ रहे थे कि हम जो है अपने स्टूडेंट्स को किस तरह एड्रेस करें, सही है। तो टीचर ट्रेनिंग जो है ना वो भी एक बहुत अहम इशू है इसमें, और उस पर भी अभी कई सारे पॉइंट्स जो है ना लाइक वो भी उसमें। और एक और जो था अभी किसी ने पॉइंट मेंशन किया था रिसर्च का, मेरा पर्सनली इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च में है और मेरा जो इंटरेस्ट है वो है भी एडोलेसेंट्स में। अभी मैंने थोड़ा सा जो काम किया था लाइक मैंने जो है वो प्रपोजल टाइप ही प्रिपेयर किया था, वो मैंने प्रिपेयर किया था कैरियर काउंसलिंग पे, उसमें बहुत बहुत ज्यादा लैक था, यानी कि उस फील्ड अनटैप थी। और ये जो एडोलेसेंट और ये प्यूबर्टी कल चेंजेस और ये जो फील्ड है ना इस पर तो पाकिस्तान में आई गेस लिटरेचर मौजूद ही नहीं है और क्वालिटेटिव लेवल का तो यानी कि आपको मिल ही नहीं रहा डेटा नहीं है जी। तो ये मैं था कि अब जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है, सही है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में अगर आपके पास कोई ऐसी एस्टेब्लिश बॉडी नहीं है तो स्टूडेंट लेवल पे ना अगर आपकी कोई बॉडी है लाइक डिपार्टमेंट में होती है, अब्दुल बारी मेरा क्लास फेलो है, जब तक हम इस्लामिक में थे हमारी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कभी जो है इस तरह का मेंटल हेल्थ कैंप जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके। इसको मैं अनफॉर्चुनेटली ही कहूँगा क्योंकि उस टाइम जो है ना हमें इतनी सेंस आई ना कुछ, और हमें जो है अब चूंकि इसकी नीड की जो है ना वो अहमियत का अंदाज़ा हो गया, और ये कि हमने यूनिवर्सिटी को भी अपनी हमें जो कैंप में स्टूडेंट आ रहे थे उन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट की थी लाइक 70-80% स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप कैंप को 3-4 डेज एक्सटेंड कर दें, ताकि जो है बहुत सारे हमारे ऐसे पीयर्स हैं जो आज हमारे नहीं आ सके तो हम उनको जो है बाद में बुला लेंगे। तो इसलिए हमें पहले तो एज ए स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में हम हैं तो
तो हमें चाहिए कि हम खुद जो है मिल करना एक इस तरह का कैंप इनॉग्रेट कर लें, और यूनिवर्सिटी या आपका डिपार्टमेंट है ना वो आपको फैसिलिटेट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट ना वो इसी डर से कि पता नहीं आगे हमें क्या कहेंगे या किस तरह, तो वो बहुत सारे, अब हमने रिक्वेस्ट की थी कि आफ्टर द कैंप अपने HOD से कि कैंप जो है वो एक और होना चाहिए, अब इंशाल्लाह ताला ईद के बाद एक और होगा। एक मेरे नॉलेज में आया था कि UET टेक्सला में भी एक कैंप जो है वो इन्होंने इनॉग्रेट करवाया था, लेकिन ये पिछले पॉलिटिकल जो है इम्बैलेंस की कंडीशंस की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो भी जो है वो जो है वो कैंसल हो गया था। तो मेरा पॉइंट बेसिकली यही था कि एज अ स्टूडेंट और एज एन इंस्टीट्यूट ना हमें खुद भी कई चीज़ों को एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट ना इन चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच तुराब भाई, काफ़ी अच्छे पॉइंट रेस किए और काफ़ी चीज़ों से हमें बताया। मेंटल हेल्थ कैंप एक यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर ये फ्रीक्वेंटली हमारी सोसाइटी में कम्युनिटी के अंदर कंडक्ट होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो जाहिर बात है इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होगा। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए, अगर किसी और को क्वेश्चन हो तो काइंडली जल्दी से कर लें। आई थिंक सो किसी को क्वेश्चन नहीं है। तो मैम मुइजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के वक्त के लिए। उम्मीद है कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनको काउंसलिंग के हवाले से कुछ ना कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक जो है, जाहिर बात है यहाँ पे हम एक मुकम्मल लर्निंग तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएं तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह हमारा हर मंथ जो है इस तरह के सेशन होते हैं इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट हमारा सेशन जो हम सुसाइड प्रिवेंशन के हवाले से कि हम एज ए साइकोलॉजिस्ट, हम एज ए स्टूडेंट्स, हम एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है उनको, उनकी किस तरह से प्रिवेंशन की जा सकती है, और बच्चे जो हैं या स्टूडेंट जो हैं उनको किस तरह से हम जो है असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इस हवाले से। तो अगर हम समरी की बात करें आज के हवाले से, काउंसलिंग क्या है, एक कॉमन टॉक और काउंसलिंग में जो है कुछ स्किल्स की वजह से डिफरेंस आता है, उसकी जो सेटिंग्स होती हैं उसकी वजह से डिफरेंस आता है, और एक प्रोफेशनल वे में एक बंदा जो है वो आपको हेल्प आउट करता है आपके किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम के, जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम होता है किसी भी लाइफ स्टेज के ऊपर, तो इस हवाले से वो आपको जो है गाइड करता है। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन था कि किस तरह के प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया जा सकता है, तो काउंसलिंग एक ओपन डोमेन है, इसमें आपके एजुकेशनल कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, तो इन सब के अंदर जो है काउंसलिंग आपको हेल्प आउट करता है। फिर हमने बात की कि टीनेज जो है स्पेशली एडोलेसेंस की जो एज है उसके अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसकी जो है सर्विसेज को मजीद कम्युनिटी के अंदर भी होना चाहिए। पेरेंट्स को इस हवाले से काफ़ी बेनिफिट होता है, अगर पेरेंट्स को इस हवाले से बता दिया, पेरेंट्स में हम टीचर्स को भी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मॉड्यूल हैं जो ऑलरेडी कम्युनिटी में वर्क कर रहे हैं, जिस तरह मैं मुइजा हैं रानमा के अंदर, मैंने भी रानमा के साथ 3 ईयर्स एज ए कम्युनिटी पीयर एजुकेटर काम किया था, तो उसमें हम पेरेंट्स और टीचर्स को ही टारगेट कर रहे होते हैं और उनको ही बता रहे होते हैं जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। जब वो बेसिक लाइफ स्किल्स का बताते हैं तो उसके अंदर मेंटल हेल्थ की डोमेन भी किसी हद तक आ जाती है, और जब वो बेसिक लाइफ स्किल्स पर उनकी ग्रिप हो जाती है तो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो भी काफी हद तक जो है उससे प्रिवेंट हो जाते हैं। तो ये चीजें थी, मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि रानमा की जो फ्री हेल्पलाइन है यूथ के लिए वो काइंडली जरूर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा आप ब्रीफली बता देंगे कि किस किस तरह के प्रॉब्लम्स के हवाले से आप जो है प्रोफेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये जो है ग्रुप में काइंडली शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन फॉर दिस टाइम, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।